वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गुलदाउदी में कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। तो आज मैं आपके साथ अपने नई शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड, कि हमने कौन कौन से प्लांट की शॉपिंग की है और क्या प्राइस है और किस रेट में हमें वो मिले हैं, क्या कंडीशन है। तो ये देखिए, हम अपने गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि हमारे गार्डन में देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हैं। और कुछ प्लांट अपडेट भी देना चाहती हूँ मैं आपके साथ। तो और ये देखिए, हमारे रोज़ में अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे हमारे गुलदाउदी बहुत ही सुंदर अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, मैरीगोल्ड में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये कॉस्कॉम और ये हमारे ग्लैडेरिया के फ्लावर्स देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस तरफ हम आते हैं तो फ्रेंड्स, ये हमारे हॉली हॉक, ये हमारे स्टॉक के फ्लावर्स, कलांचो में देखिए ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई हैं। और इफ्यूविया मिली, और यहाँ पे हिबिस्किस की कटिंग लगी हुई है, उसमें टमाटर्स के भी प्लांट्स अपने आप ग्रो हो गए हैं। और इसमें देखिए कितनी अच्छी इसमें कलियाँ बनी हुई है, ये 4 o'clock हैं। और ये हमारा फिर एक यहाँ पर देखिए, ये सारे हमने बीज से उगाए हैं, ये हमने ख़रीदा है गजानिया का प्लांट। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, और ये प्लांट हमने बीज से ग्रो किया है। तो ये हमारे यहाँ पर ये डहेलिया हैं, डहेलिया भी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है फ्रेंड। और ये देखिए, हमने ये बीज से ग्रो किए हैं ये सारे प्लांट। तो इस तरह से हमारी, ये देखिए कल इसे हमने रिपोर्ट किया, ये छोटे से पॉट में लगे थे, तो इनकी ये बीज से ग्रो हुए प्लांट हैं, तो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। इसको भी सेपरेट किया है, देखिए ये गिर गया है प्लांट, तो इसे थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे तो ये प्लांट अच्छे से चलने जाएगा। और इस तरह से सारे जो सीडलिंग हमारी तैयार हुई है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से, और ये देखिए गजानिया में भी बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत ही प्यारा कलर निकल के आने वाला है। ये बीज से उगा हमारा कॉस्कॉम का प्लांट है, और ये हमारा नेस्टेसियम, ये कटिंग से लगे हुए हमारे गुलदाउदी हैं। और ये कपूर तुलसी, नेस्टेसियम अगेन, फिर ये हमारी ये गुलदाउदी। तो इस तरह से हमने सारी कटिंग ग्रो कर रखी है। यहाँ हमने मेथी के बीज डाले थे, वो भी अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और कुछ यहाँ पर हमने धनिया डाली थी, और लहसुन को भी हमने इस तरह से कलियाँ लगा दी थी। और यहाँ पे ये देखिए हमारे कॉलीफ्लावर्स, गोभी जिसे कहते हैं, और ये बैगन के प्लांट्स हैं। और इसमें देखिए यहाँ पे ये कलियाँ, सॉरी यहाँ पे ये इसके फूल बन बर्ड्स बन रहे हैं। और ये हमारा गोभी देखिए कितने अच्छे से इस तरह से बैग में हमने इसे लगा रखा है। और इस तरह से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमारी गुलदाउदी में चल रही है। और यहाँ पर ये हमारे हिबिस्कस है, तो हिबिस्कस में भी बहुत अच्छी कलियाँ बन रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। तो आज मैं आपके साथ अपने कुछ न्यू प्लांट की शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड। और ये देखिए, ये हमारे शिमला मिर्ची का प्लांट है, जिसे हमने रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए छोटी सी शिमला मिर्च लग गई है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और ये टमाटर के बीज अपने आप ग्रो हो गए हैं, ये किचन कंपोस्ट में अपने आप गिरे रहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी छोटी सी शॉपिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड। तो ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी शॉपिंग है छोटी सी, तो मैं आपको ये शेयर करना चाह रही थी कि ये देखिए, ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। तो ये हमने, ये हमारे विश लिस्ट में था फ्रेंड्स, बहुत से प्लांट ऐसे हैं अभी हमारे विश लिस्ट में हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिलते हैं और कभी कभी मिल जाते हैं। ये भी हमारे विश लिस्ट में बहुत दिनों से था फ्रेंड प्लांट, तो ये भी इस बार मिल गया है और अच्छे प्राइस में मिल गया है, तो इसे हमने ले लिया है। नहीं तो ये बहुत कॉस्टली प्लांट मिलता है फ्रेंड, जब मिलता है तो इस बार अच्छे प्राइस में मिला है, तो हमने इसे भी ले लिया है। एक प्लांट हमने ये भी लिया है, और ये भी हमारा ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। तो ये दो प्लांट हमारे ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट है, तो ये हमें 40 rupees में मिले हैं। तो ये प्लांट हमने एक ले लिया है, तो ये देखिए वाइट कलर के इसमें ये फूल आए हैं, और रेड कलर के इसके अंदर ये फूल आते हैं, तो जिसकी वजह से इनका नाम ब्लीडिंग हार्ट है। तो अभी ये इसमें रेड कलर के फूल नहीं आए हैं। तो ये दो प्लांट ब्लीडिंग हार्ट के, और ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत विंटर के फूलों वाला प्लांट है फ्रेंड। तो ये रैनकुलस के प्लांट हैं, छोटे छोटे प्लांट हमें मिल गए हैं फ्रेंड। ये 20 rupees का हमें ये मिला है प्लांट, तो इस बार हमने इसे दो ले लिया है फ्रेंड। तो हम तो नर्सरी जाते नहीं हैं फ्रेंड जल्दी, बहुत दूर है हमारे यहाँ नर्सरी, तो जब कोई वहाँ से आने लगता है हमारे परिचित, तो उनसे बोल के हम प्लांट मंगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये दो प्लांट हमारे रैनकुलस के हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाब की तरह फूल आते हैं, और इनके विंटर में बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग करते हैं। तो ये दो प्लांट हमने ले लिया है फ्रेंड।
तो रेन कूलर्स के अब इनके कलर हमें नहीं पता है कि एक कलर है कि अलग अलग कलर में निकलेंगे। तो ये दो प्लांट हमने इसकी शॉपिंग हुई है और ये एक प्लांट आप देख रहे हैं। इसके पहले ये गार्डन में हमारे पास था प्लांट, तो लेकिन इस बार बरसात में ये प्लांट ख़राब हो गया था। तो ये देखिए, ये हमने एक गोरी चोरी का प्लांट मंगाया है, ये भी 20 रुपीज़ का है। और प्लांट देखिए कितनी छोटी सी पतली सी प्लांट है, लेकिन ये गर्मी में इसको काफ़ी अच्छा हेल्दी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे ख़रीद लिया है। और इसकी ये रूट्स देखिए यहाँ निकली हुई है। और इसमें एक और प्रॉब्लम है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक आप देख रहे होंगे, तो इसमें ये ब्लैक एपिड्स लग गए हैं। इसको हमें इसके ऊपर हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी इसे कुछ प्लांट से दूर रखेंगे, नहीं तो हमारे सारे प्लांट में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हमारे दो ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट आपको कैसे लगे आप हमें बताइएगा। और ये दो रेनकुलस के प्लांट हैं हमारे, और एक ये गोरी चोरी का प्लांट। तो मैं बहुत ज़्यादा महंगे प्लांट नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ जब मिल जाते हैं तो छोड़ती भी नहीं हूँ। तो इस तरह से ये रिजनेबल प्राइस में मिल गए, तो इस बार हमने इसे ले लिया है फ्रेंड। और इस तरह से हाँ ये हमारी विंटर की तैयारी चल रही है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए। और जल्दी ही इन सब में जब फ्लावरिंग होने लग जाएगी फ्रेंड, तो ये बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स से हमारा गार्डन भर जाएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ये देखिए, और हमारी वीडियो आप सबको देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका सपोर्ट हमें यूं ही मिलता रहे फ्रेंड। और हिबिस्कस में देखिए, ये इनके फूलों का साइज छोटा हो गया है, लेकिन इनमें फ्लावरिंग अभी भी चल रही है। और ये देखिए यहाँ पर डबल पेटल के हिबिस्कस, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है इसमें।